पीछे से यू वो धक्का मारा मुझे, मैं कोई अपने आप नहीं गिर रही हूँ, इधर आओ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू वीएफ फैमिली व्लॉग्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ कुछ सामान लेना है। क्या सामान लेना अपने को? कुछ कुछ सामान लेना है गाइस। अरे क्या कुछ कुछ सामान? न्यू घर के लिए। सो हमारे न्यू घर के लिए हम नया गैस खरीदेंगे, गैस चूल्हा आज। तो आज मिलेंगे, जो जो ले सकते होंगे वो सब ले लेंगे। जितनी हमारी मतलब हैसियत जितना हमारे पास आज समय होगा ना, उस हिसाब से हम सामान खरीद लेंगे आज। इसके बाद हम जो भी करेंगे हम आपको बताएंगे आगे। यस ओके। तो हम निकल रहे हैं अभी घर से, हम तीनों रेडी हो। आगे तक जरूर देखिएगा, जरूर। तो हम लोग नीचे पापा का वेट कर रहे हैं। पापा गए हैं पार्किंग में गाड़ी निकालने के लिए। आज यहाँ पर हमारी मल्टी के नीचे कुछ कार्यक्रम था तो गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करी थी। तो गाइस गर्मी अचानक से इतनी ज़्यादा तेज पड़ने लग गई है कि क्या ही बताएं। मतलब ऐसा लग रहा है अप्रैल की गर्मी पड़ रही हो। बस एक्टिवा से जाने का मन था पर अब एक्टिवा से नहीं जा पाएंगे क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा फिर हेडेक होना चालू हो जाएगा और युवू को भी धूप में लेकर नहीं चल सकते ना। कभी कभी वो सो भी जाता है गाड़ी में तो फिर एक्टिवा पे सोता है तो फिर अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो बस इसीलिए कार से जा रहे हैं। तो गाइस युवू अभी दूध पी रहा है, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने हाउस में जाएंगे देखने के लिए आज कितना काम हुआ है। मैंने देख लिया था सुबह। मैंने नहीं देखा यार। ठीक है, दिखाते हैं तुम। हाँ, देख लेती हूँ। तो हमने देख लिया घर, कल शाम तक हमको चाबी मिल जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा घर। सो अभी हमने नपती ले ली है कुछ कुछ चीजों के, जैसे हमको टीवी का जो क्या बोलते हैं जिन्हों उसको टीवी के टीवी यूनिट। हाँ टीवी यूनिट जो पूरा आएगा उसमें हमने नपती ले ली है कि कितने के। अब हम जा रहे हैं कारपेंटर के पास। पहले हम यहाँ पर फ्लैट पे आए, हमारे टीवी की भी नपती लेंगे उस हिसाब से फिर हमको पता चलेगा कि टीवी बड़ा तो नहीं है हमारा, जितना हमारा वहाँ का स्पेस है उससे टीवी बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो वो सब नपती लेने ही अकेले जा रहे हैं, टीवी की नपती, फिर हम लोग कारपेंटर के पास जाएंगे। यू और मम्मा नीचे बैठे हुए हैं, पापा गए हैं ऊपर। सो गाइस कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने मन के हाउस में शिफ्ट होते हो, कितना मन अच्छा लगता है, खुश खुश। मेरा मन बहुत खुश है कि सब कुछ मेरे तरीके का होगा, हर एक चीज़ अपने मन की होगी। एक लड़कियों का ऐसा होता है ना गाइस कि मायके में जब तक रहती है ना तो नहीं चलती है मायके में उनकी कि हाँ भाई माँ बाप अपने हिसाब से करवाते हैं घर का डेकोरेशन सब कुछ, और जब शादी हो जाती है ना तो ससुराल में कुछ धुरंधर होते हैं बड़े बड़े जो कभी चलने नहीं देते हैं किसी भी चीज़ की, कि आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। इवन अपने मन का आप कोई सी भी चीज़ नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें फिर मन नहीं करता है कुछ करने का। जब कुछ करने ही नहीं दे सकते हैं तो अपना भी मन फिर कुछ करने का करता भी नहीं है। तो गाइस ये मेरे मन का घर है और इसको मैं ऐसा सजाऊंगी ना, मतलब भयंकर अच्छी तरीके से पूरा मन से सजाऊंगी गाइस। जो मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरा घर वैसा होगा, तो गाइस मैं वैसा अपने घर को सजाऊंगी। तो अभी हम लोग रास्ते में जूस पी रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ने लगी ना गाइस अचानक से कि मतलब लिक्विड तो लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सो अभी बस गए हैं ये जूस लेने। मैंने अपने लिए मंगाया है ऑरेंज जूस और वो अपने लिए लाएंगे वही स्ट्रॉबेरी, ये ही उनका फेवरेट जगह है स्ट्रॉबेरी शेक पीने वाला। और यू कुछ नहीं पिएगा मेरा बेटा। तो आ गया है हमारा फाइनली जूस, मैंने मंगाया है ऑरेंज जूस। अब पीकर क्या लग रहा है, क्या कर रहा है मेरा छोला भटूरा, क्या कर रहा है पीछे? ओ हो हो, वाइप से अपने पैर क्लीन कर रहा है। तो हम आ गए यहाँ पे टीवी के लिए यूनिट देखने के लिए। ये वो यहाँ परेशान कर रहा है पापा को, सोफे पे अकेले बैठना चाहता है, भागना चाहता है वो सब दूर। तो हमको अभी जो पसंद आया है वो एक्चुअली साइज का नहीं था, हमारे जितना हम वहाँ से माप के आए थे उस साइज का नहीं निकला, तो अभी ऑर्डर दे करके ही बनवाना पड़ेगा। तो हमने सोचा अभी जो जिनको ऑर्डर देना था वो भैया अभी थे नहीं शॉप पे, कल वल आएंगे तो कल आकर के फिर ऑर्डर देंगे।
गई। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, जस्ट बैठे। आओ पीछे मत गिर जाना जिया के खाने में, ये लड़कड़ा इतना लड़ता है। हैंड हटाने के लिए आया है पापा। पापा अगर जरा सा भी टच कर देंगे ना तो बस युवो को दिक्कत हो जाती है। मेला बेबी है, मत रुलाओ यार। अच्छा ठीक है चलो, इतना प्यारा बच्चा है उसको रुला रहे हो। पाली कर रहा हूँ, पाली बच्चा। आजा ऐसे पाली करो, हंसता है। ऐसे करो परी। मेरे पेट पे कूद गया युवो। पग्गू कहीं का? नहीं, मैंने 100 रोटियां खाई थी। 15 बहुत कम बता दी तुमने। 100 रोटियां खाई थी गाइस मैंने अभी। झूठ मत बोलो, 15 रोटी खाई थी अभी। 100 रोटियां। दो। यू वो। आ बिट्टू। यार। आई बा। यू वो मत करो प्लीज। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम आराम करना चाहते हैं, आराम फरमाना चाहते हैं। आपने कोंदलों जैसा खा लिया है और पड़ गए हैं यहाँ। कृपया आप जाकर हमारे गोड़ो चिप्पो मुँह न गोड़ो चिप्पो जान जान कौन पैर दबाऊं। कैसे पता चला? तो गोड़ो चिप्पो पहले सुन चुकी हूँ मैं। अच्छा अभी जो चीज सुन चुकती हूँ वो वाले मेरे को पता हो जाते हैं। तुमने जो कल वाले वीडियो में मेरा वो किया है ना इंसल्ट, लिखी जूं जो करा ना, लिख जूं वाला उकुणी पुकुणी, वो मैं तुमको बताऊंगी। बड़े आए क्या बताएगी तुम्हारे को, क्या बताएगी? मुझे समझ नहीं आता उड़िया तो क्यों, तुम कुछ भी बोल दो, एक जू निकाल दो मेरे बालों से, खा लो उसको। खालो यू का प्यार अच्छा भी और बुरा भी। यू मत करो। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ताता हो जाती है फिर। ताता हो जाएगी मम्मा को। यू बाल नहीं खींचते, ऐसे नहीं करते। चले इतरा रही क्या पीछे परे परे बरी आई पग्गू गई की। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे घर देखने के लिए आज कितना काम हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 10 बजने को है, सो हम लोग निकलते हैं देखते हैं क्या क्या हुआ। तो ये ब्लैंकेट आज हम ले जा रहे हैं हमारे उस घर, आज पहला सामान हम लेकर के जा रहे हैं। चलो चलिए सर। नहीं ले क्या करना है, इसको अपन उधर ऊपर डाल देंगे क्या? नहीं माँ क्लीनिंग बाकी होगी तो नहीं डाल पाएंगे, अभी क्लीन करना पड़ जाएगा ना इनको। चलो इनकी बात कभी भी मत सुना करो, मेहनत करवा देते हैं फिर मना कर देते हैं। जल्दी करो ना, चलो अंधेरा कायम रहे। तो हम लोग जा रहे हैं एक्टिवा से, चार लोग हम जाने वाले हैं एक्टिवा पे। चार लोग युवू भी तो है, युविन चौथा है। हाँ युवू चौथा है। एक्टिवा का मजा अपने आप में ही अलग है, दिन में नहीं घूम सकते पर रात में घूमने में बड़ा मजा आता है। दिन में धूप बहुत रहती है ना, रात में बढ़िया ठंडा ठंडा रहता है। तो बस निकल चुकी है हमारी एक्टिवा, हम जा रहे हैं। मजा आ गया यू का। गर्मियों में ही निकल सकते, ठंड में तो हालत खराब हो जाती है। ठंड में तो ना रात में निकल सकते ना दिन में निकल सकते, पर हाँ गर्मियों में रात में जरूर निकल सकते हैं शाम के टाइम पे। तो हम लोग आ गए गाइज वापस घर देख करके। आज पूरा घर के अंदर के सारा पेंट हो चुका है, उन्होंने दरवाजे खिड़की सब पेंट, क्लीनिंग चालू होगी। क्लीनिंग कल दरवाजे खिड़की थोड़े बहुत पेंट बचा है, आउटर जो एक्सटीरियर पेंट है वो बाद में करेंगे। हाँ वो हम शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। तो बस वही आज सारा दिन हो गया है, कल और सारा दिन लगेगा ना, परसों मिलेगा ना हमको जाने को। शिफ्टिंग हम परसों करेंगे। तो आज और कल, आज 18 थी ना,
18 थी आज ना, कल 19 है, मतलब समझो हमको 20 तारीख को हम शिफ्टिंग कर लेंगे। चाबी तो अभी भी हमारे पास है, बस शिफ्ट करना रहेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सारा बहुत क्लीन, बहुत अच्छा, मतलब जैसा हमको चाहिए था कलर, आइवरी हमने वो करवाया, बहुत सुंदर लग रहा है। कर्टन्स का कल चीनू माप ले लेंगे, है ना? और मैं अच्छा कोई सा चूज करके पर्दा। अपन मैं सोच रहा हूँ कि अपन हड़बड़ी नहीं करेंगे वहां जाने की, शिफ्ट होने की, पहले थोड़ा सा जो काम है वो करा ले। वही तो जाके पता चलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सही बात है, धूप आ रही, कर्टन ही नहीं है, चद्दर लगानी पड़ेगी फिर कील टोक टोक के। हाँ तो ये सारी चीजें कर लेंगे, है ना, पहले ही। तो बस गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइज, प्लीज। बाय बाय, गुड नाइट।